आपका क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसने दे दिया ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो हम बनाते हैं ए बी, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी से लेके सी तक, ये इसने बता दिया कि ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ये हो गया एंड ये हो गया। सी डी इज 4 सेंटीमीटर, सी डी इज 4 सेंटीमीटर समवॉट यहां, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डी ए इज 5 सेंटीमीटर, डी से लेके ए तक इज 5 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ए सी इज 5 सेंटीमीटर, इसने कहा कि ये वाला जो है यहां से लेके यहां तक ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। अगर आप अब हमारे पास कितने ट्रायंगल बन गए, 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2। ट्रायंगल 1 को ध्यान से देखोगे तो हाइपोटेनस इधर 4 है, इधर 3 है, हाइपोटेनस इज 5, तो इट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल 1 क्या हो रहा है, हमारा हाइपोटेनस इज 25 यानी 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो 25 क्या होता है, हमारा 5 का स्क्वायर। तो आप देखोगे कि इज सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, इट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स एंगल बी इज 90 डिग्रीज, एंगल बी इज 90 डिग्रीज, तो एंगल बी हमारा कितना हो गया 90 डिग्रीज। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, अब एरिया हमारा हो गया 4 हाफ इंटू 4 इंटू 3, हाइट इंटू बेस, तो हमारा हो गया 1/2 इंटू 4 इंटू 3, कट करेंगे तो हमारा आएगा 2 2 इंटू 3 इज 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन ट्रायंगल टू में क्या है आपका, 5 5 एंड 4, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को भी हम कुछ ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे हीरोज फॉर्मूला से। तो इन सेकेंड ट्रायंगल, ठीक है, व्हाट इज एस, एस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, पेरिमीटर मीन्स 5 प्लस 5 प्लस 4 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 14 बाय 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर हमारा एस निकल गया। और एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू रूट ऑफ एस s-a s-b and s-c, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, हमारा हो गया 7 7 माइनस 5, फर्स्ट a हो गया, 7 माइनस 5 सेकेंड हो गया, एंड 7 माइनस 4 इज थर्ड साइड, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, अब रूट ऑफ
7 into 7 minus 5 is 2, 7 minus 5 is 2, 7 minus 4 is 3. तो यहां पर आप देखोगे एक ही पेयर बन रहा है. तो हमारा क्या आ गया आंसर, हमारा आ गया 2√21 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब 21 का क्या वैल्यू होगी, जस्ट हम फाइंड आउट. अब हम √21 का वैल्यू निकालेंगे. √21 का वैल्यू हमारा कैसे निकलेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. ठीक है, तो हमारा क्या है 21 किस में जाएगा आपका 4 4 4 16. ठीक है, आपका बचा 5. पॉइंट लगाएंगे यहां पर और हम दो जीरोस. फिर आप क्या करोगे, जितना यहां लिखा है लास्ट वैल्यू उतना ही हम ऐड करेंगे 4, आपका आ जाएगा 8. ठीक है, 8 आ गया. अब यहां पर जो भी लिखोगे आप, यहां पर भी आपको वही लिखना है. तो हमारा क्या आएगा, फाइजा. ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा 5, तो यहां पर भी हमारा हो गया 5 5 5 25. ठीक है, 2 कैरी था, 2 को हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं. 5 8 जा 40 प्लस 2 इज 42. ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, 7500. ठीक है, और प्लस 5 हमने यहां पर कर दिया क्योंकि 5 हमने लास्ट में लिखा था. अब हमारा ये हो गया 9090. ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू डालेंगे 8 क्योंकि 8 9 जा 72. तो हम वैल्यू यहां पर डालते हैं 8, तो यहां पर भी हमारा 8 हो जाएगा. 8 8 जा 64 6 4 8 9 जा 72. ठीक है, तो हमारा कुल मिला के वैल्यू कितना हुआ, 4.58. तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2 into 4.58 that is equal to, मल्टीप्लाई करो आपका कितना आएगा, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 1 11 एंड 1 कैरी, 2 4 जा 8 19 9.16 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स आ गया ये हमारा. ठीक है, अब इसने कहा कि आपको एरिया निकालना है पूरे क्वाड्रिलेटरल का. तो हमारा एरिया पहले क्या आया था, 6 आया, अब कितना आया 9. तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा टोटल एरिया इज इक्वल टू 6 प्लस 9.16 दैट इज इक्वल टू 15.16 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये आपका वैल्यू रहेगा.